अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मेरी तरह आप सब के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और कोई इतना लंबा दिन भी नहीं है और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। खैर मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो ये सुबह सहरी का टाइम है, तो मैं उठी थी 3:30 बजे। सबसे पहले मैंने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने आटा गूंद लिया और आज मैं बना रही थी छोले। मैं मुख्तलिफ़, मतलब आज तीसरा रोज़ा है तो चेंज कर करके ना टेस्ट, तो मैं चीज़ें बनाती हूँ ताकि बच्चे शौक से खाएं, क्योंकि शुरू के दिनों में ना सुबह सहरी में इतना ज़्यादा हमारा कोई नाश्ता करने को या सहरी खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर करके चीज़ें बनाती हूँ ताकि बच्चे शौक से खाएं। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी छोले और उसके लिए मैंने प्याज कट किया है। खैर यहाँ पे तो मैं चाय का पानी मैंने रखा हुआ था, उसमें पत्ती डाल दी है। और छोले बनाने के लिए क्या किया है, मैंने प्याज कट किया है। प्याज कट करने के बाद उसको थोड़ा सा भून लिया, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर उसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं और फिर जो बॉयल करके मैंने चने रखे हुए थे सफ़ेद वाले वो डाल दिए हैं। टमाटर मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने डाल दी है जी इमली। तो मेरे पास इमली रखी हुई थी, जो मैंने पहले इमली का पल्प बनाया था, चटनी बनाई थी इमली की और आलू बुखारे की, जो उसमें से इमली की गुठलियाँ निकली थी ना, तो मैंने उनको रख दिया था। वो इस तरह छोले बनाने के ना काम आती हैं, जब हम छोले पकाते हैं तो उसमें डाल देना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही वाली मैंने इमली डाल दी है, उसको भुनने के लिए मैंने रख दिया है और साथ में चाय में मैंने डाल दिया है जी दूध। और इधर मैं बना रही हूँ लस्सी, तो आज मैंने सोचा मट्टी में नहीं बनाती हूँ लस्सी, मैं जग में बना लेती हूँ, क्योंकि आज लस्सी पीने वाले दो लोग थे, मैं तो पीती नहीं हूँ, बस हस्बैंड और बेटे ने ही पीनी थी, तो इसलिए मैं इस जग में लस्सी बना रही हूँ। के लिए चाय मैंने इस तरह छोटे फ्लास्क में डाल दी है, इसमें 3 कप चाय आराम से आ जाती है। और ये इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए ले के रखती रह हूँ कि फिर ये काम आती हैं, तो ये फ्लास्क भी इसीलिए मैंने रखा हुआ था, जब मैं कहीं जाती हूँ सुबह नाश्ता हस्बैंड के लिए बना के रख के जाना पड़ता है, तो मैं इसी फ्लास्क में बना के चाय रख जाती हूँ, तो जब कोई एक या दो गेस्ट हों तो उनके लिए भी मैं चाय इसी फ्लास्क में डाल लेती हूँ। तो बहुत ही प्यारा छोटा सा ये मेरा फ्लास्क, बड़े काम की चीज़ है और मेरे अब बड़े काम आ रहा था। और यहाँ पे फिर बेटे के लिए मैं कर रही थी घी, देसी घी गरम, वो शक्कर और घी या शक्कर और मक्खन के साथ खाता है, तो मैंने उसे कहा कि मक्खन के साथ नहीं, आज मैं तुम्हें देसी घी के साथ दे देती हूँ। और मक्खन मैंने पराठे के ऊपर रख लिया था। और यहाँ पे लस्सी भी मैं उसके लिए डाल रही थी, जो दो लोग नीचे थे उनको भी मैंने सहरी दे दी थी, और यहाँ पर मैं बेटे को भी दे रही थी और हस्बैंड को भी मैंने दे दी थी। और मेरा आज पराठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे 2 अंडे लिए, 2 अंडे का ऑमलेट सिंपल नमक और मिर्च डाल के मैंने ये 1 चम्मच ऑयल डाल के बनाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड गरम कर ली थी बगैर ऑयल के, तो अब मैं इसके साथ खाऊँगी।
और बेटी के लिए भी पराठा बना दिया था। बस बेटी को मैं कहती रही हूँ कि आ जाओ किचन में, आ जाओ वहीं पे बैठ के खा लो। और ये मानों को भी मैं उठा रही थी कि उठो तुम भी सहरी कर लो, ये कैसे घोड़े बेच के सोई हुई थी। तो खैर हम सब ने सहरी कर ली थी। और ये है जी दोपहर का टाइम। तो मैं जब आई हूँ, सुमैरा ने काफ़ी अच्छे से डस्टिंग शस्टिंग सब कुछ कर लिया हुआ था। और यहाँ पर उसने ये जलाई हुई थी, ये हैं जी क्या होती हैं, मोमबत्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन ये बहुत खुशबू वाली है। इसकी खुशबू पूरे घर में थी। और मैं उठी थी 2 बजे, जो रूम्स फारिग होते हैं तो उनकी सफाई सुमैरा कर लेती है, किचन की भी कर लेती है। तो यहाँ से मैं बर्तन भी ले गई थी और सुमैरा उस रूम की कर रही थी सफ़ाई। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की, शावर लिया, और उसके बाद फिर बस छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं मैंने वो किए थे। और उसके बाद जी ये है 4 बजे का टाइम। तो जो चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं तो मैं वही पे सबसे पहले बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी, फ्रूट चाट बना के मैं फ्रिज में रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं दूसरे काम देखूँगी। फ्रूट चाट डन हो गया था तो मैं इसको इस सर्विंग ट्रे में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। और मेरी कोशिश होती है जितने काम मैं खुद से कर सकूँ तो मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते हैं किचन में। उस तरह मुझे काम करने का बिल्कुल भी जो थोड़ा बहुत आइडिया होता है या मेरा काम जल्दी हो रहा होता है तो वो उससे फिर देर से होता है। तो मैं अपनी बेटियों को नहीं बुलाती हूँ तो खुद काम करती हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर मेरी बेटी ने कहा कि पकोड़े मैं बनाऊँगी, तो वो बना रही थी। उसको स्पाइसेस खैर मैं खुद ही ऐड करके दे रही थी, क्योंकि सबका रोज़ा होता है और हर चीज़ का बिल्कुल लेवल के साथ होना तो अच्छा होता है। कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता है चीज़ें खाने में। तो यहाँ पे उसको स्पाइसेस मैंने ऐड कर दी हैं। और आलू हम किस तरह से डालते हैं पकौड़े में, कद्दूकश करके आलू को डाल लेते हैं, आलू को छील लेते हैं, फिर उसके बाद धोने के बाद हम उसको कद्दूकश कर लेते हैं। तो इस तरह से ना ये क्या होता है कि हमारे ये जो पकौड़े होते हैं बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। अगर थोड़ा सा मुझे कुछ डालना भी पड़ जाए ना तो मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल लेती हूँ या फिर लस्सी डाल लेती हूँ। और एक मैं लीमू का जूस लाजमी डालती हूँ। इससे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, मीठे मीठे से नहीं बनते। प्याज भी क्योंकि हम इसमें ऐड करते हैं, मेथी भी डाली थी मैंने, मेथी, धनिया, सब्ज़, लहसुन, पुदीना और खुश्क धनिया तो ज़्यादा जाता है, और बाकी तमाम स्पाइसेस डाल के। और पकौड़े का जो है ना बेसन वो मैं कम डालती हूँ, मिक्स करके मैंने उसको साइड पे रख दिया है। और यहाँ पे हम बना रहे थे बूंदी, क्योंकि मैं बूंदियाँ वगैरह बाज़ार से नहीं लेती हूँ, घर में ही इस तरह से छोटे छोटे से ये बना लेती हूँ दही बड़े की तरह। तो किस तरह इसमें क्या डाला, इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, भुना कूटा हुआ ज़ीरा, और कुछ भी नहीं डाला है। तो हमने इसको इस तरह के छोटे छोटे से पकौड़े टाइप के बना लिए थे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं दही बड़े।
सोडा बनाने के बाद इसको भी मैंने फ्रिज में रख लिया है। जो चीज़ें ठंडी चाहिए होती है वो तमाम हमारी बन चुकी थी। और यहाँ पे मैंने बना रही थी बॉयल चावल सब्ज़ियों वाले, तो उसमें क्या किया था, मैंने पानी रख दिया है कढ़ाई में। पानी में मैंने सिर्फ नमक डाला है, थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने डाल दिया था देसी घी, और उसमें लहसुन डाला है, और उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। साइड में चावल भी धो के रख दिए थे, और ये जो सब्ज़ियाँ हमने फ्रीज़ करके रखी थी गाजर मटर, वो भी मैंने उनको भी धो के रख लिया है। देखें कितना आसानी हो जाती है जो हम ये फ्रीज़ करके रखते हैं सब्ज़ियाँ। तो साथ में मैंने चावल भी डाल दिए हैं, मैंने कोई पानी को बॉयल नहीं होने दिया है, बस जैसे पानी गर्म हुआ है उसमें मैंने सब्ज़ियाँ भी डाल दी और चावल भी डाल दिए। और मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था, ज़ीरा, काली मिर्चें और एक तेज़पात और थोड़ा सा इस तरह से ये मैंने डाल के लिया था। और ये देखिए कितने मज़ेदार वाइट हमारे चावल तैयार हैं। ये तो मेरे घर में लाजमी बनते हैं अफ्तारी में। तो इस फिर सालन बना लेते हैं हम, तो इनके ऊपर सालन डाल के और रायता वगैरह डाल के खा लेते हैं। रोटी बहुत कम बनती है मेरे घर में। तो यहाँ पे शरबत बना रहे थे, शरबत शिकंजी बना रहे थे हम, तो रूह अफ़ज़ा वाली। तो उसमें मैंने लीमू जो हमने फ्रीज़ करके रखे हुए थे लीमू का जूस वो डाला है, चीनी डाली है और बस शरबत डाला है, उसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया है। और ये मैं बना रही थी चिकन, चिकन बन चुका था तो इसको भी अच्छे से मैंने भून के पानी डाल दिया था और धनिया डाल के ये कवर कर दिया था। मैंने फुल रेसिपी नहीं दी है क्योंकि बस ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया अपनी सहरी अफ्तारी में बनाया था और सहरी में बनाया था। ये पकौड़े जो फ्रोज़न मैंने बना के रखे हुए थे, बस इनको ये सॉरी ये क्या होते हैं समोसे, तो इनको हम फ्राई कर रहे थे। मैंने बेटी को बुलाया था कि आके तुम भी थोड़ा सा हेल्प करा लो, तो वो इस तरह से मेरी हेल्प कर रही थी कि मैं डाल रही थी और कहते मैं इनको सीधा करती जा रही हूँ, तो मामा ये मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। और जी फिर यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। पकोड़े इतने मज़ेदार बने थे ना, तो बहुत मज़े के बने थे पकोड़े। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इस रेसिपी पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, आलू के पानी में बस ये पकोड़े का मिक्सर जो बनता है तो उससे पकोड़े बहुत खस्ता बनते हैं। अगर हम मज़ीद इसमें पानी ऐड करते हैं तो वो हमारे पकोड़े ना बहुत ज़्यादा नरम नरम से बनते हैं। तो खैर यहाँ पे जो फ्राइंग वाली चीज़ें थी वो भी तमाम बन चुकी थी और बस अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। और बहुत जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो जिनको मैंने सुबह सहरी दी थी तो उनके लिए भी मैंने ट्रे बना के नीचे भेज दिया था, और ये हमारी से अफ्तारी बन के तैयार हो गई है। तो हम अब करेंगे रोज़ा अफ्तार। सब यहाँ पर बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे, दुआएँ मांग रहे थे, क्योंकि इस टाइम हमें बहुत दिल से दुआएँ मांगनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पे बैठे दुआ मांग रहे थे और बस ये चीज़ें भी जो से अफ्तारी की बनाई थी वो भी रख रहे थे। और जी अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सहरी और अफ्तारी में। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।